हे गाइस, आज एक लेसन करेंगे हम सिंगिंग विद गिटार। जिन लोगों को ऑलरेडी आती है, जो लोग कर लेते हैं, वो इस वीडियो पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं सिंपल इजी वे में। ये वो चीज़ें गाइस जो मेरे को प्रॉब्लम आई हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सेम चीज़ फेस कर रहे हो या कुछ और हो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा पूरा उसको बताने की। आप बस ध्यान से इसको देखना। ये है कि फर्स्ट जो चीज़ है, जो मेन हमारी सिंगिंग जब हमने शुरू करनी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी पिक गिर जाती है, हमारा हाथ रुक जाता है, हम स्ट्रमिंग कर रहे होते हैं, जैसे ही कॉर्ड चेंज करने लगते हैं रुक जाता है हाथ, वॉइस जो हम गाना गा रहे होते हैं वो भी रुक जाता है, ठीक है? बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें ये चीज़ है, हमें अपना दिमाग जो है वो खाली करना है। खाली इन दी सेंस, हमें चीज़ों से फ्री हो जाना है। कौन सी चीज़ों से? शिफ्टिंग, स्ट्रमिंग एंड यही कॉर्ड्स, ठीक है? ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, ठीक है? हम इतनी आदत नहीं है कि हम तीन चार काम एक साथ कर सकें, कि तीन चार काम कर रहे हो। वो तभी हम कर सकते हैं जब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हमें उनके बारे में सोचना ना पड़े, ठीक है? खाली करने का मतलब ये है, अगर मेरा कोई गाना चार कॉर्ड्स में है, सी ए माइनर एफ, ठीक है, एंड जी, तो मेरे को उनके बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है। मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, मेरे को स्ट्रमिंग आती है, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को नहीं सोचना पड़ रहा उनके बारे में, तो ही मैं गाना गा पाऊंगा, क्योंकि मेरा ध्यान गाने की तरफ होगा, ना कि कॉर्ड की तरफ की वो शिफ्ट कैसे करनी है, मेरी शिफ्टिंग हो रही है, मेरे को फिंगर्स मेरी सही जा रही है नहीं, एंड मैं स्ट्रम क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको करने की भी अब ट्रिक्स हैं। आप एक ही साथ नहीं मतलब शुरू कर दो कि आज आपने गिटार पकड़ा एंड आप बोलो कि आज से ही मैं गाने गाना शुरू कर दूँ। बहुत अच्छा है कि अगर आप एक साथ सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आप शिफ्टिंग स्ट्रमिंग गाएंगे एक साथ, बैकिंग ट्रैक के साथ बजाएंगे या कुछ भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें रहनी है ट्रिक। दो कॉर्ड्स हैं, तीन कॉर्ड्स हैं, जिससे भी आपने शुरू किया ट्राई करो सिर्फ वो ही लेने की, ठीक है? उनकी शिफ्टिंग करो, ठीक है? इजी से शुरू करते हैं। मैं तीन कॉर्ड्स आपको बताता हूँ, इजी, मोस्ट इजी जो एक पैटर्न है हमारा, ठीक है? ई माइनर का जो एक पैटर्न है, हम लेते हैं सी डी एंड ई माइनर, सी मेजर डी मेजर एंड ई माइनर। ये अगर हम पैटर्न लें, हमने प्रैक्टिस करनी है। एक स्ट्रमिंग पैटर्न भी आपको बता देता हूँ, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है? एक ये पैटर्न एंड एक दूसरा पैटर्न, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन। ये वाला, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हमने सिर्फ शिफ्टिंग पे अपनी ध्यान देना है। आप इसको सिंपल डाउन डाउन स्ट्रोक में कर सकते हैं, ठीक है? जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है? 4 पे आपको चेंज करनी ही करनी है किसी भी हालत में, ठीक है? अगर आप ये सब चेंज कर पाते हैं तो ही गाने में, ठीक है, आप बजा पाएंगे, क्योंकि उसमें लाइन के हिसाब से कॉर्ड चेंज होती जाएगी। एंड स्ट्रमिंग की आप प्रैक्टिस करें, इसको बोल बोल के करें, आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है? जैसे आप कर रहे हैं डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, ठीक है? स्टार्टिंग में मुश्किल आएगी, जब आप बोल के करेंगे ना मिस होते जाएगा वो, उसको मिस नहीं होने देना हमने। आपकी शिफ्टिंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक है? जैसे ये है, ठीक है, अगर हो रही है तो भी ठीक, नहीं हो रही तो भी ठीक, आपने राइट हैंड को नहीं रोकने देना। ठीक है,
ठीक है, किसी भी टाइप से हो रही है नहीं हो रही, आपने बस उसको नहीं रुकने देना, जो भी चीज़ है एक एक करके पक्की करनी है। आपकी स्ट्रमिंग पक्की होगी, आपकी कॉर्ड्स भी होते जाएंगे, जहाँ आपको पहले दिन टाइम लग रहा होगा एक एक फिंगर आप ऐसे रख रहे होंगे, वो जल्दी जल्दी आसान होते जाएंगे, ठीक है। वो तभी होगी जब आप एक एक चीज़ पक्की करते जाएंगे। अब आप पहले शिफ्टिंग पक्की कर लो, डाउन डाउन स्ट्रोक लेके, जैसे डाउन 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 डाउन, या स्ट्रमिंग के साथ उसको पक्की करें, जैसे तैसे मर्जी एक एक करके, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई, आपने फिर गाना गाइज ऐसा चुनना है जो आपको ऑलरेडी आता है, बहुत अच्छे से आता है, बहुत आपको उसकी टोन याद है, लिरिक्स याद है, क्योंकि वो फ़ायदा आपको देगा, आपको ज़्यादा मतलब उसको एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो गाना आता है। और स्ट्रमिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, स्टार्ट करोगे आप बैकिंग ट्रैक के साथ बजा पाओ, गाना चल रहा है एंड आपको उसकी कॉर्ड याद है, सारा कुछ याद है, लिख लो उसको कहीं हाथ से, ठीक है, किसी पेज पे, और उसको बैकिंग ट्रैक के साथ बजाओ, ठीक है। जैसे इतना तुम्हें चाहूं ना सोच कभी इस हद तक जाना, ठीक है, ट्राई करो इसको उसके साथ बजाने की। जब आप उसके साथ बजा लोगे इसको, फिर ट्राई करो इसको लेने की अपने मतलब खुद अपनी वॉइस के साथ, स्टार्ट करो सिर्फ डाउन स्ट्रोक से या हमिंग से, ठीक है। फिर स्टार्ट कर दो स्ट्रमिंग में लेने की उसको, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन यही है गाइस कि अभी आपको, अगर आप नई गाना गा पा रहे हैं, तो आपको ये है कि ये नहीं है कि आपको गाना नहीं गाना आता या आपको गा नहीं पाओगे उसका, वो कोई रीजन नहीं है, बस एक ही रीजन है उसका कि हमारा दिमाग जो है वो उसकी एक साइड अभी भी शिफ्टिंग या स्ट्रमिंग की तरफ ध्यान दे रही है, इसलिए आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यही करना कि दो तीन दिन छोड़ दो उसको, बेशक इतनी जल्दी हमने किस चीज़ की है, ठीक है। तो आप स्ट्रमिंग और शिफ्टिंग में ध्यान दो, उसको पक्की करो, बातें करो किसी के साथ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पीछे उसको चलने रहने दो, कोई बहन है कोई भाई है उसके साथ बात करो, क्वेश्चन याद करो, उसको चलते रहने दो पीछे, और अपने दिमाग में देखते रहो उसको, बोलते रहो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। फिर ही आपको आएगी और मजा भी आएगा। हर एक स्ट्रमिंग जब आप नहीं करते जाएंगे, बस यही रोल होगा उसमें कि आपको गिटार वाली साइड से फ्री होते जाना है, तो वही रहेंगे, क्योंकि कॉर्ड्स वही रहेंगे हमेशा, वही चीजें रहेंगी। तो जितनी जल्दी आप इस साइड से फ्री हो जाओगे, तो उतने ज्यादा आप गाने वाने और वो कर सकते हो, क्योंकि बॉलीवुड या जो भी आप इंग्लिश गाने करते हो, जो भी, ठीक है, गाने की वो जो एक वो पैटर्न होता है वो सेम ही होता है, चार या पांच या छह कॉर्ड्स पे चल रहा होता है वो, तो वो वही रहने हमेशा, स्ट्रमिंग भी वही रहनी है। तो आप इस साइड से फ्री हो जाओ, और हेडफोन्स में ट्राई किया करो गाने सुनने की, ठीक है। जब भी कोई नया गाना आता है या आपको याद नहीं हो रहा था, उसको हेडफोन्स में आप वो किया करो, सिंक किया करो, ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, स्ट्रमिंग उसके साथ बजाया करो। और अगर आपको दिक्कत आती है, तो उसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि धीरे करो, तेज़ नहीं करना, धीरे करो, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना कोई भी गाना, जैसे ये गाना था, क्या सुनी मैं कभी तेरा जन्म हुआ, जहां से जमाने को गुजरा हुआ, खामोशिया अल्फाज है तुम सुनना, छू कर तुम
आप प्रैक्टिस करना इसको, सबसे बड़ी ट्रिक इसमें यही रहेगी कि हमारा जो है हमने इस साइड से फ्री होना है। जब मैं पुरानी वीडियोस भी की हैं मैंने इस पर, यही मैंने उस पर बात बोली है कि हमें अपना जो दिमाग है उसको फ्री करना है इस साइड से। वो एक जो उसका पार्ट है वो उसी पे काम कर रहा है अभी। तभी जब भी मैं भी कोई नई स्ट्रमिंग करता हूँ तो पहले मैं ट्राई करता हूँ कि उस स्ट्रमिंग को मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि जब भी गाना बिठाने लगो उसमें या तो पिक गिर जाती है या फिर स्ट्रमिंग टूट जाती है बीच में। वो इसीलिए होता है क्योंकि अभी हुई नहीं है वो, ठीक है, और हम गाना भी उसमें करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ नहीं मैंने बताई हो और या आपको अलग से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कॉर्ड्स भी बजा लेते हैं, स्ट्रमिंग भी कर लेते हैं, शिफ्टिंग भी कर लेते हैं और फिर भी आप नहीं गाना बजा पा रहे हैं, तो फिर मेरे को बताना, ठीक है, उसका भी हम कुछ देखेंगे। नहीं तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप, ठीक है, इतनी स्ट्रमिंग से बात नहीं बनेगी गाइस कि आप ये जैसे डाउन अप डाउन अप डाउन ये कर ले रहे हैं दो तीन लाइंस के लिए, नहीं, उसको आपने लंबा लेना है, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ कोई क्वेश्चन पढ़ो, कोई वो याद करो, कहीं भी नहीं रुकना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे नहीं। आप जिससे मर्जी वो कर रहे हो, कोई भी लाइन आ जाए गाने की, कुछ भी हो जाए, बीच में आप ऐसे कर रहे हो डाउन डाउन, ठीक है, इतनी पक्की होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए आपको वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपको बस दो लाइनों के लिए आप बजा पा रहे हो उसको तो भी गाना नहीं हो पाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट पक्की करनी है उसको, 1 2 3 4 जितने मर्जी कॉर्ड्स के साथ, और फिर गाने आपको करने का मजा आएगा। और ठीक है, कुछ भी हो, जो भी चीज़ हो, मेरे को ज़रूर बताना आप, कि हम ट्राई करेंगे और भी ऐसे करने की लेसन। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।